जय हिंद। विश्व में अनेक प्रकार के खुशबूदार और स्वादिष्ट चावल उत्पादित किए जाते हैं, मगर हर कोई चावल बासमती नहीं होता है। बासमती चावल वह है जिसे बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा डीएनए के जरिए प्रमाणित किया जाता है। जिस चावल की लंबाई 6.6 एमएम और मोटाई 2 एमएम से अधिक हो, उसी को बासमती की श्रेणी में रखा जा सकता है। हिमालय की तलहटी में आने वाले गंगा के मैदानी इलाकों में बासमती चावल बहुत अधिक होता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बासमती चावल की पैदावार सबसे अधिक होती है। विशेषज्ञों के अनुसार गंगा के मैदानी इलाकों में पानी, मिट्टी, हवा और तापमान की वजह से यहाँ की बासमती की क्वालिटी अन्य दूसरे चावल के मुकाबले सबसे बेहतरीन होती है। यही कारण है कि बासमती को क्वीन ऑफ राइस कहा जाता है। माना जाता है कि बासमती चावल को सबसे पहले देहरादून की खूबसूरत वादियों में बोया गया था। भारतीय इतिहास में इस घटना को लेकर कई बातें लिखी गई हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस देहरादूनी बासमती की देश दुनिया में धाक है, वह अफगानिस्तान से यहाँ लाया गया था। इस चावल को देहरादून लाने का श्रेय अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद खान को जाता है। अब कहानी कुछ यूं है कि 1842 तक चले ब्रिटिश अफगान युद्ध में अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान की हार हुई। अंग्रेजों से युद्ध हारने के बाद अफगानिस्तान के राजा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों को यह चिंता सताने लगी कि अगर दोस्त मोहम्मद खान को अफगानिस्तान में ही रहने दिया तो वह वहाँ की जनता को फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा कर सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने तय किया कि दोस्त मोहम्मद खान को अफगानिस्तान से दूर हिंदुस्तान में रखा जाए। इसलिए राजा को पहाड़ों की रानी मसूरी में नजरबंद रखा गया और राजा के साथ आए अन्य रिश्तेदारों को देहरादून में रखा गया। वैसे तो राजा और राजा के परिवार को यहाँ की आबोहवा बहुत रास आई, लेकिन यहाँ उगने वाले चावल से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। ऐसे में दोस्त मोहम्मद खान ने अफगानिस्तान से बासमती धान के बीज मंगवाए और उन्हें देहरादून की हसीन वादियों में बो दिया। अफगानिस्तान से आए इस धान को दून घाटी की मिट्टी, हवा, पानी इतनी रास आई कि बासमती चावल की जो पैदावार हुई उसकी गुणवत्ता पहले की बासमती से भी अधिक थी। यह चावल जब गांव के किसी भी घर में पकता तो पूरे गांव को खबर हो जाती। अब धीरे धीरे देहरादूनी बासमती की चर्चा पूरे भारत में होने लगी। व्यापारी देहरादून आते और खड़ी फसल की बोली लगाते और धान पकने पर उसे खेत से ही उठा ले जाते। एक समय ऐसा भी आया जब बासमती की खेती से पूरा इलाका ही महकने लगा। देहरादून के अलावा अब हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी बासमती की बेशुमार खेती होने लगी, लेकिन हर जगह इसे सिर्फ देहरादूनी बासमती ही कहा गया। पूरी दुनिया में इस चावल को अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाने लगा। लेकिन समय के साथ शहरीकरण की मार देहरादून की बासमती पर भी पड़ी और बाकी रही सही कसर हाइब्रिड करने के चक्कर में पूरी हो गई, जिससे देहरादून की बासमती को पहचानना भी मुश्किल हो गया। एक दौर था जब हजारों एकड़ में देहरादून की बासमती की खेती होती थी, लेकिन समय के साथ खेतों की जगह कंक्रीट के जंगल उगते चले गए, जिस कारण देहरादूनी बासमती की खेती सिमटने लगी। बीज प्रमाणीकरण कंपनियों की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 में यह घटकर केवल 200 एकड़ रह गई और वर्ष 2019 में मात्र 11 एकड़ के आसपास सिमट गई। जबकि एक समय था देहरादून के आसपास के इलाकों में जब हवा चलती थी तो दूर से ही पता चल जाता था कि यहाँ बासमती धान लगा है। देहरादूनी बासमती की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि देश प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी इसकी उपज में यहाँ जैसी मिठास, महक, स्वाद पैदा नहीं हो पाता,
जो देहरादून की घाटी में उगी बासमती में होता है। परीक्षण के तौर पर देहरादूनी बासमती को देश के दूसरे हिस्सों में बोया गया, लेकिन परिणाम निराश करने वाले ही मिले। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि बासमती अफगानिस्तान के कुनार प्रांत से लाया गया था। वहाँ की मिट्टी अपेक्षाकृत उच्च कैल्शियम कार्बोनेट युक्त है, जिसका पीएच 8.00 से 8.50 तक है, जो कि खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। हिमालय और शिवालिक के बीच बसे देहरादून की मिट्टी में भी वही तासीर होने के कारण अफगानिस्तान का वह धान जम गया, जिसका चावल अपनी महक और स्वाद के कारण बासमती कहलाने लगा। बासमती चावल भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले चावलों में आता है। आमतौर पर खुशबू और स्वाद के कारण लोग इस चावल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग बासमती चावल को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसके दाने लंबे और खिले खिले होते हैं, जिसके कारण यह देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि बासमती चावल सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है? बासमती चावल भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए इसके पोषक तत्वों में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, लेकिन आमतौर पर सभी बासमती चावलों में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा इसमें फोलेट, थायमिन और सेलेनियम भी मौजूद होता है, जो आपके दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बासमती चावल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत कम होती है। आर्सेनिक एक ऐसी धातु है जो अधिक मात्रा में खाए जाने पर व्यक्ति को डायबिटीज, हार्ट की बीमारियों और कुछ तरह के कैंसर का रोगी बना सकता है। दूसरे अनाजों की अपेक्षा चावल में आर्सेनिक ज्यादा होता है, लेकिन सभी चावलों की अपेक्षा बासमती चावल में आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। आइए जानते हैं हाई न्यूट्रिशन से भरपूर बासमती राइस खाने के 5 गजब के फायदे। नंबर 1, पेट के लिए फायदेमंद है बासमती। बासमती चावल को पूरे भारत में बहुत अधिक पसंद किया जाता है। शादी, त्योहार और अन्य खास मौके पर बासमती चावल का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि ये देखने में खूबसूरत और खाने में स्वादिष्ट और पेट के लिए हल्के होते हैं, जो जल्दी से पच जाते हैं। वहीं हैवी चावल कई लोगों के पेट को परेशान कर सकता है। जो लोग हल्का खाना पसंद करते हैं, उनके लिए बासमती चावल एक अच्छा विकल्प है। बासमती चावल ग्लूटेन फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। ब्राउन बासमती राइस भी डाइट्री फाइबर का एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें अनाज का भारी आवरण बरकरार रहता है। बासमती चावल में घुलनशील फाइबर होता है, जो कब्ज जैसी समस्या से पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बासमती चावल खाने का दूसरा सबसे अच्छा फायदा है डायबिटीज में लाभदायक। डायबिटीज के पेशेंट के लिए बासमती चावल एक बहुत अच्छा विकल्प है। ज्यादातर सफेद चावलों में हाई ग्लाइसोमिक इंडेक्स होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। सरल शब्दों में कहें तो ग्लाइसोमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ का माप है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट कितनी देर में ग्लूकोज बनाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन के बाद किस गति से खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है। लेकिन बासमती चावल कम ग्लाइसोमिक इंडेक्स वाला भोजन है। अगर आपको डायबिटीज है तो बासमती चावल की कुछ मात्रा आपकी हेल्थी डाइट का हिस्सा बन सकती है। बासमती चावल खाने का तीसरा सबसे अच्छा फायदा आपके दिल के लिए है। ब्राउन बासमती राइस जैसे साबुत अनाज खाने से हृदय रोग का खतरा बहुत कम होता है। साबुत अनाज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं और साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को भी कम करने में पूरी मदद करते हैं। बासमती चावल खाने का चौथा सबसे अच्छा फायदा है, यह कैंसर के जोखिम को कम करता है। जैसा कि आपको पता ही है
कि बासमती राइस में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और अधिक फाइबर डाइट कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है। बासमती राइस खाने का पांचवा जबरदस्त फायदा आपके दिमाग के लिए है। बासमती चावल में विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है, जिसमें विटामिन B1 भी शामिल है, और इसकी कमी से मानसिक भ्रम, अल्जाइमर, भूलने जैसी बीमारियां हो सकती है। विटामिनों की कमी को नजरअंदाज करने से बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं।